नमस्कार, स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल 14 आज शुरू हो रहा है। सबको मैं इसी एपिसोड में स्वागत कर रहा हूँ। गया बार 13 एपिसोड जब हम किए थे, उसी समय एक कोण का डेवलपमेंट बनाने के लिए हम लोग सीखना शुरू किया। सीखने समय वो एक्यूरेसी रीति नहीं है करके मैं बोला, सबसे अंत एक्यूरेसी हल्का मिलना है तो क्या करना चाहिए करके बोला था। इसके लिए एक्यूरेसी हल्का भी मिलना है तो कैलकुलेट करना चाहिए करके हम बोले थे। ऐसा वाला एक कोण का डेवलपमेंट बनाना समय 1200 डाया वाला और सीधा ऊंचाई 2000, सीधा ऊंचाई 2000 वाला कोण का डेवलपमेंट बनाना समय ऐसा वाले एक शेप में डेवलपमेंट करना चाहिए करके बोले थे। सबसे लास्ट हम बोले थे ये डाया से उसका पेरीमीटर समझ के हमको मालूम पड़ा 1200 का पेरीमीटर 3769 होगा। ऐसे होएगा तो हम सीखे हुए अलग अलग रीति से ये हल्का भी आकर्षित होगा करके मालूम पड़ा। मतलब एक फ्लेक्सिबल टेप इधर पकड़ के ये रेडियस का जगह से घुमा के इधर तक पहुंचेगा तो 3769 पहुंचेगा तो उधर एक मार्क डालने के वो अंध वाला पॉइंट ये दोनों जोड़ेगा तो वैसे जोड़ेगा तो एक डेवलपमेंट आएगा। डी करके मैं इधर लिखा है, डेवलपमेंट आएगा। वो ऐसे करेगा तो हल्का एक्यूरेसी मिलेगा करके हम बोला था। गया बार हम किए दे आप सीखे। ये मेजरमेंट कैसे लेगा, ये मेजरमेंट मालूम पड़ा कैसे लेना चाहिए, उसका फॉर्मूला भी गया बार बोला था। पाई डी है उसका फॉर्मूला, पाई का वैल्यू हमको मालूम है, डी का मालूम है, वो दोनों गुणा करेगा तो मल्टीप्लिकेशन करना वजह से हमको 3769 मिल गया। लेकिन ये मेजरमेंट कैसा है, ये कैसे हम खींचता है करके मालूम है। ये लंबा बोलेगा तो ये लंबा है, ये लंबा लेने के लिए जमीन पर प्लेट में नहीं तो शीट में हम ऐसे वाला एक तस्वीर बना के, ऐसे वाला एक ड्राइंग बना के ये लंबा ले लिया। वो लंबा रेडियस आना जैसे एक कर्व बना दिया, उसमें हमसे कभी 3769.9 पहुंचा तब उसका अंत वाला पॉइंट हो गया, वो दोनों जोड़ा, वो पॉइंट और शुरू किया हुआ पॉइंट, जो पॉइंट से राउंड खींचने के लिए हम लोग उपयोग किया उसी पॉइंट से जोड़ा, तब डेवलपमेंट आ गया। इधर से इधर तक करने के लिए हम कैलकुलेशन किए, इसका वजह से हल्का एक्यूरेसी मिला है तो इसके लिए भी कैलकुलेशन करना चाहिए। उसके लिए भी कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा,
ड्राइंग बना के फ्लोर में जमीन में बना के लेआउट करके समय सत्यानाश करने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी भी मिलेगा, ऐसे बहुत फायदा है। इसके लिए इसका लंबा कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेगा? ये लंबा बोलेगा तो ये लंबा है करके मैं समझ आया, आपको मालूम है ये लंबा कितना है, सबको मालूम है ये लंबा नहीं है। ये लंबा बोलेगा तो सीधा वाला लंबा है, इधर से इधर तक का लंबा है 2000, ये 2000 और इधर से इधर तक का लंबा, ये दो लंबा अपना पास है तो पाइथागोरस थ्योरी के अनुसार ये हमको समझ में आएगा। कैसा है पाइथागोरस थ्योरी? देखिए अभी ये ट्रायंगल देखिए, इधर से शुरू होकर इधर तक आके सबसे अंत में इधर तक पहुंचने वाला एक ट्रायंगल आप देखिए, ये लंबा मालूम है 2000, ये लंबा कितना है सबको मालूम है, इधर से इधर तक 1200 है तो उसका आधा, मतलब इधर से इधर तक बोले तो उसका आधा 600 होगा करके मालूम है, मतलब इधर से इधर तक 2000 और इधर से इधर तक 600 है तो पाइथागोरस थ्योरी के अनुसार कितना होगा ये ट्रायंगल इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंच के इधर तक अंत होने वाला ट्रायंगल, और एक बार भी मैं इधर खींचता हूँ, आपको इधर दिखाया हुआ ट्रायंगल मैं और एक बार भी इधर खींचा है, ये वो ट्रायंगल, जो मैं दिखाया उसको उल्टा पोजीशन में मैं उधर खींचेगा, मतलब वो ट्रायंगल यही होगा, इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंच के इधर तक आने वाला ट्रायंगल होगा, दोनों सेम है सबको मालूम है, इधर से शुरू होकर इधर पहुंचने वाला ट्रायंगल और इधर से शुरू होकर इधर पहुंचने वाला ट्रायंगल दोनों सेम है। मैं ये ट्रायंगल और एक बार भी खींचा है, वो ये ट्रायंगल देखो, पहले बोला जैसे उसका लंबा 2000 है, उसका बेस का आधा 600 है, ये दो लंबा है तो ये लंबा मालूम होएगा तो हमको ये मिल गया, ये कैलकुलेशन मिल गया। पाइथागोरस थ्योरी कैसा है? पाइथागोरस थ्योरी सबको मालूम है, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, वो ये उसका फॉर्मूला, उसका मतलब ये बोलेगा तो 2000 है तो, मतलब ए बोलेगा तो 2000 है तो, बी बोलेगा तो 600 है तो, सी कौन सा नंबर होगा, वो ये अपना क्वेश्चन। ये फॉर्मूले के अनुसार हमको कैलकुलेशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अभी मालूम पड़ा ए बी सी, उसका अनुसार मैं इधर लिखा है 2600 और इधर का मेजरमेंट, वो हम कैलकुलेट करके समझना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में जो मेजरमेंट है हमको 2000 है और 600 है, दोनों डालो, ए स्क्वायर के साथ 2000 डाला, बी स्क्वायर के जगह पर 600 स्क्वायर डाला, इधर 2000 स्क्वायर डाला, इधर 600 स्क्वायर, ये दोनों गिनना चाहिए, 2000
स्क्वायर करेगा तो कितना आता है? देखिए कितने शून्य है, एक दो तीन चार पाँच छः शून्य और चार है, चालीस हजार, और 600 स्क्वायर करेगा तो कितना आता है? 360,000 आता है। ये दोनों गिनेगा तो हमको क्या मिलेगा? सी स्क्वायर मिलेगा। सी स्क्वायर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैलकुलेट करके कैलकुलेट करेगा तो हमको मिलता है कि सी स्क्वायर, वो मैं इधर लिखा है। ये दोनों गिनेगा तो ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट गिनेगा तो इतना तो आएगा, ये मेजरमेंट आएगा 43,000, 43,60,000 मिलेगा। लेकिन ये मेजरमेंट क्या है? पहला बोला जैसे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर समझने के लिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला उपयोग किया। ए स्क्वायर पहले कितना है करके हमको मालूम हो गया, बी स्क्वायर बाद में मालूम हो गया, उसके बाद वो दोनों गिना तब हमको ये मेजरमेंट मिल गया 43,60,000। लेकिन ये सी स्क्वायर है, मतलब ये मेजरमेंट सी इधर से इधर होकर इधर तक पहुंचने वाला मेजरमेंट दो बार गुणा करेगा तो, दो बार मल्टीपल करेगा तो, मल्टीप्लिकेशन करेगा तो जो मिलता है वो मेजरमेंट है इधर का मेजरमेंट, मतलब सी दो बार मल्टीप्लिकेशन किया, इधर भी एक नंबर दो बार मल्टीप्लिकेशन करने से ये मेजरमेंट मिल गया। हमको ये मेजरमेंट नहीं चाहिए, सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए सी, मतलब एक सी, दो सी मल्टीप्लिकेशन करेगा तो, गुणा करेगा तो सी स्क्वायर आता है। ऐसा तो ये मेजरमेंट भी आता है कि एक मेजरमेंट दो बार गुणा करेगा तो, वो कौन सा नंबर है? सी स्क्वायर, उसका रूट करने के लिए, मतलब ना गुणा करने के लिए हम लोग सी उपयोग करता है, ये भी गुणा ना करने के लिए स्क्वायर रूट यूज करता है। सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है सी, 43,60,000 का स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट, ये चिन्ह उपयोग करना चाहिए, निशानी उपयोग करना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 43,60,000, तब हमको सी मिलता है। अभी आप कैलकुलेटर में ये मेजरमेंट देखिएगा तो मालूम पड़ेगा 2,088.1 है, सी बोलेगा तो 2,088.1 है, मतलब लंबा 2,000 और बेस का आधा 600, ऐसे इधर अपना मेजरमेंट हम ऐसे करने के लिए कोशिश किया, 2,000 और 600, वो दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला उपयोग करने से हमको ये मेजरमेंट मिल गया, कितना है 2,000 88.1 सी मिल गया। ये मेजरमेंट क्या है? ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, तब हमको पेरीमीटर से ऐसे खींचेगा 2,088.1 मिलने से ये भी लेआउट न करके खाली कैलकुलेशन करके वो कॉम्बस में सीधा लेके एक कर्व बनाने के लिए आराम से कर सका। ये डेवलपमेंट और एक बार मैं इधर लिखा है, उसका पेरीमीटर इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला 3,769.9
और उसका ये लंबा इधर से इधर तक 2088.1 वो अभी हम लोग कैलकुलेट करके हमको मिल गया। ये उसका डेवलपमेंट डी करके मैं बीच में लिखा है डेवलपमेंट ही। ऐसे करेगा तो एक्यूरेसी है, लेकिन समय हल्का सत्यनाश होता होगा, एक्यूरेसी भी हल्का कम है करके मैं बोलूँगा। कैसे उसको एक्यूरेसी फिर भी बढ़ा सकता है? ये वाला डेवलपमेंट और एक बार मैं खींचता हूँ नीचे, देखिए इधर से शुरू होकर इधर पहुँच कर इधर भी पहुँच कर इधर पहुँचने वाला एक डेवलपमेंट सेम है। इधर जो मैं लिखा वो और एक बार इधर लिखा है, इधर 2088.1 लिखा है तो इधर भी मैं लिखा है 2088.1। उसका पेरीमीटर पी करके लिखा है, पी देखिए रनिंग लेटर का पी लिखा है, कैपिटल पी नहीं है। कैपिटल पी बोला तो क्या है, इधर किधर है कैपिटल पी? देखिए इधर भाई लिखा है कि कैपिटल पी, ये पी कैपिटल वाला है, लेकिन अभी मैं रनिंग लेटर का पी उपयोग किया है तो उसको एक कारण है मैं बोलूँगा। अभी देखिए ये कैपिटल पी है, प्लीज करके लिखा है, और फोन नंबर का पी वो भी कैपिटल है। आप ए पी ए भी देखिए, मैं इधर लिखा है कि प्लीज शेयर एंड मेक अदे शेयर, आप शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया है तो एक बार किया हो तो कोई मुश्किल नहीं, आपको फिर भी मेरे वीडियो सब मिलते ही रहेगा। मेरा 139 वाला है, 139th वीडियो है, स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल 14 बोलेगा तो 139th वीडियो है। मेरा नाम जोसफ जूड कानाट निकोलास, सर्चिंग टाइटल में आप टाइपिंग करेगा तो मेरा पूरा वीडियो आपको मिलेंगे, 139 वीडियो आपको मिलेंगे। कोई भी एक वीडियो आपको नहीं मिला है तो मुझको जरा फ़ोन कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है, ये फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको उसमें व्हाट्सएप करेगा तो जो सीरीज आपको नहीं मिला, जो नंबर सीरीज आपको नहीं मिला वो आप मुझको बोलेगा तो मैं तब से मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। ओके, शेयर करने के लिए ना भूल जाइए, और दूसरे आदमी लोगों को करवाने के लिए, शेयर करवाने के लिए आप ना भूल जाइए, फिर भी पढ़ना शुरू करेंगे। मैं अभी बोला जो डेवलपमेंट मैं इधर लिखा वो डेवलपमेंट और एक बार भी मैं इधर लिखा है, इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंच के सबसे लास्ट इधर पहुंचने वाला 2088.1 वो उसका रेडियस है, डेवलपमेंट का रेडियस है। पेरीमीटर 3779.9, इधर मैं पी करके लिखा है, मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेजरमेंट दिखाने जैसे मैं दिखाया है, सब कुछ मैं हाथ से खींचता है, मैं इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं यूज़ करता, कॉम्पस से नहीं खींचता, स्केल से नहीं खींचता इस। लेकिन आप ड्राइंग आपका नोटबुक में बनाने समय कॉम्पस उपयोग करके, प्रोट्रैक्टर उपयोग करके, सस्केयर उपयोग करके, सब कुछ उपयोग करके एकदम अच्छा से ड्राइंग आपका नोटबुक में लिखना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने वाला है। मैं अभी खाली सिखाने के लिए ऐसे करता हूँ, इसके लिए मैं रफ स्केच किया है,
भाई किया जैसे आप नहीं करना चाहिए। ओके अभी देखिए ये कौन, ये डेवलपमेंट अब एक बार मैं इधर किया है, आप देखिए ऐसे एक राउंड बनाने के बाद फ्लेक्सिबल टेप से पकड़ के करना बहुत मुश्किल है ना, समय सत्यानाश होता है, एक्यूरेसी हल्का कम हो जाएगा। मैं क्या रास्ता आपको अभी बताता हूँ कि एक राउंड ऐसे मारने के बाद इधर से सीधा इधर तक एक मेजरमेंट आपको मालूम है तो सीधा अपना कैलकुलेशन कितना आसानी होगा। ये फ्लेक्सिबल टेबल से दो आदमी पकड़ के इधर तक पहुंचने वाला काम सीधा वाला मेजरमेंट इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला सीधा वाला, एक लंबा मिलेगा तो